पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज प्राइम टाइम डिबेट में बात कांग्रेस पार्टी के उस मास्टर स्ट्रोक को लेकर की जा रही है जिसमें यह माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का यह दाव खेला गया है तो किस मकसद से खेला गया, क्या प्रियंका गांधी के आने के बाद समीकरण बदल पाएंगे और क्या अमित शाह और मोदी की जोड़ी की टक्कर देने के लिए अब राहुल और प्रियंका की जोड़ी सामने है। जी, और इसीलिए सियासत इसी को कहते हैं कि कब किसको और किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कब किसको उतारना है मैदान में, इसको राजनीति के अंदर बखूबी तरीके से समझा जा सकता है। एक लंबे अरसे से और खासकर के एक दशक से तो ये मांग उठ रही थी कि प्रियंका गांधी को पूर्ण रूप से जमीन पर उतार दिया जाए, जिसके बाद जो कांग्रेस अभी तक जो हाशिए पर जा रही थी उसको एक बार फिर से रिवाइव किया जा सके। लेकिन कितना इसका असर होगा प्रियंका गांधी के आने के बाद, क्योंकि आज एक नई जिम्मेदारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी को सौंप दी गई है और दूसरी तरफ एक और खास जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद को हरियाणा प्रदेश को लेकर दी गई है। तो क्या इन नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी हैं दोनों नेताओं के सामने, बात इसी को लेकर। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये दांव खेला है। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का ये फैसला रास नहीं आया। बीजेपी ने कहा कि इस फैसले से ये साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फेल हो गए हैं। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं ना कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में। हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा। ये सारी कवायद लोकसभा के चुनावों को लेकर हो रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने हरियाणा में भी हलचल बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद हरियाणा में जीत का सपना पाले कांग्रेस हाईकमान ने लंबे अंतराल के बाद हरियाणा की सुध ली है। कांग्रेस के अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद को हरियाणा की कमान सौंपी गई है। आजाद को उत्तर प्रदेश से हटाकर हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से आजाद की इस नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन पर गुटों में बटे कांग्रेस नेताओं को एक झंडे के नीचे लाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। हरियाणा कांग्रेस को 9 महीने बाद प्रदेश प्रभारी मिला है। शकील अहमद के बाद कमलनाथ को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन गुटों में बटे कांग्रेस दिग्गजों को वो भी एकजुट नहीं कर पाए थे, लिहाजा उन्होंने हरियाणा में रुचि लेनी बंद कर दी है। जींद उपचुनाव के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का हरियाणा में पूरा दखल रहा। उन्हीं की देखरेख में रणदीप सुरजेवाला को जींद से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया। संभावनाएं जताई जा रही थी कि वेणुगोपाल को ही हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें अशोक गहलोत की जगह राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ कर्नाटक के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी। जींद उपचुनाव में कांग्रेस के तमाम दिग्गज मिलकर रणदीप सुरजेवाला की जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस एकता को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बरकरार रखने का दायित्व अब गुलाम नबी आजाद पर है। हरियाणा कांग्रेस में खेमेबाजी भी बड़ी समस्या रही है। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा उन्हें पद से हटाने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा है। इस काम में हालांकि हुड्डा समर्थकों को खास सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन अब माना जा रहा है कि आजाद के आने के बाद संगठन में बदलाव हो सकता है। इस कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष का भी बदलाव हो सकता है।
आगामी चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में अपनी ताकत का सपना संजोए है। यहाँ कांग्रेस खेमों में बटी है, राज्य में बड़े चेहरों की पूरी फौज तो है और उनका सीधे कांग्रेस हाईकमान में दखल रहता है, मगर कार्यकर्ता अक्सर कंफ्यूजन में देखे गए। अब नए प्रभारी के मिलने से पार्टी की चाल और ढाल दोनों बदलने की संभावना है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने और गुलाम नबी आजाद के हरियाणा की कमान संभालने के बाद प्रदेश की सियासत पर इसका असर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए ये तस्वीर तो साफ है कि प्रियंका गांधी यदि मैदान में उतारी गई हैं तो उसके पीछे एक लक्ष्य भी है, एक पूरी सोची समझी रणनीति है जिसके तहत उनको जमीन पर उतारा गया है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस को लेकर भी जिक्र करना बेहद खास है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद, क्योंकि 9 महीने का कार्यकाल यहां पर खाली रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसके बाद अब उनको जब नियुक्ति उनकी की गई है तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट के जरिए किया गया। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पचा नहीं पा रही है, ये की कह लीजिए कि इस बात से वो इत्तफाक नहीं रखती है कि प्रियंका गांधी के आने से राजनीति में किसी तरीके का बदलाव हो सकता है। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, जरा उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि कितना इसका असर 2019 के चुनाव पर पड़ेगा और क्या वाकई में कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक माना जाए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में है, सबसे पहले मिलवा देते हैं आपको उनसे। वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डीसी यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, जेजेपी से प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनीष कटाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और एलएसपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ओमबीर सिंह मंडार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा मनीष खटाना जी आपके पास ही आना चाहता हूं, कांग्रेस को अब बैसाखी की जरूरत आन पड़ी है, इसको इस तरीके से देखें। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने जिन शब्दों का उपयोग किया, राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रवक्ता जब इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि उनके अंदर आज कितना डर बैठा हुआ है। 5 राज्यों में सूपड़ा साफ होने के बाद, लूट झूठ फूट की राजनीति करने के बाद, झूठ और जुमलों से देश की गद्दी और प्रदेश की गद्दी हथियाने के बाद, जब ये जितने भी उपचुनाव देश में हुए हारने के बाद भी इस तरीके की शब्दों की प्रणाली का यूज करके भाजपा प्रवक्ता यही बता रहे हैं कि आज उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। माननीय प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। यूपी के चुनाव में लोकसभा सीट, जो दिल्ली का रास्ता जहां से निकलता है वो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, और प्रियंका जी जमीनी स्तर पर काम करती हैं, गरीबों के बीच में उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो भी चीजें वहां पर होंगी उसको हम अपने एजेंडे में लाएंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बौखलाहट है इस तरीके। अच्छा मनीष जी, ठीक है जी, तो यदि ये जो सभी काम आपने, इतने सारी लंबी फेरिस्त आपने गिना दी, यदि ये काम प्रियंका गांधी कर सकती हैं तो क्या उनको पहले, क्योंकि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया आपने, क्या ये जिम्मेदारी उनको नहीं मिलनी चाहिए थी? और यदि यदि उनको अब महासचिव बनाया गया तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना क्या उनके कार्यकाल के ऊपर सवाल, प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है? नहीं, किस चीज का प्रश्न और किस चीज का सवाल? राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी से पहले भी प्रियंका जी काम करती थी, राजनीति में सक्रिय रहती थी। आज उनको पद पर नवाजा गया है, उसका सभी कांग्रेसी, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश की जनता और देश की गरीब जनता, किसान वर्ग, देश का कमेरा वर्ग आज इस बात से बड़ा खुश है, क्योंकि सभी प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जी को देखते हैं, उनके काम करने का तरीका, लोगों से मिलने का, लोगों से बातचीत करने का और उनको दुख दर्द बांटने का। इसीलिए लगता है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, उनके अंदर नहीं, इसीलिए लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कि इस बार यदि नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कांग्रेस देखो, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं लगता कि 2019 का चुनाव करो या मरो की स्थिति है? नहीं, 2019 मिशन 2019 बिल्कुल 100% कांग्रेस सत्ता में आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो लूट झूठ फूट की राजनीति भाजपा ने करी, जिस तरीके के जुमले आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े राहुल गांधी दावे करे। राहुल गांधी जब मैदान में आपने उतार दिया, पार्टी के अध्यक्ष आपने उनको बना दिया, जिम्मेदारी बहुत बड़ी उनके पास, तो क्या वो उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे थे? देखिए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाए,
तभी तो सही नुमाइंदे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, प्रियंका जी हैं, एक अच्छी टीम का चयन करके पूरे भारत वर्ष में, पूरे भारत देश में, हर प्रदेशों में लगाए, ताकि वो वहां के लोगों के बीच जाकर उन लोगों की जो जिनकी विचारधाराएं कांग्रेस से जुड़ी हुई है उनको जोड़ने का काम करें। तो ये तो इससे तो ये साफ झलकता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी अकेले पड़ गए। नहीं, अगर आपको लगता है राहुल गांधी जी अकेले पड़ते तो पांच राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ कैसे होता। अच्छा चलिए, बार बार आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कैसे होता, तीन राज्यों के अंदर सरकार बना लेना, इसको आप राहुल गांधी की उपलब्धि मान रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी की तो उपलब्धि है ही। युवाओं में आज का जो युवा, भारत का नौजवान राहुल गांधी जी की सोच से बहुत प्रभावित है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश ने 2014 के अंदर जिस राजनीति में जिस दल को बहुमत दिया, जिसको कुर्सी पे बिठाने का काम करा, और उन्होंने जो वायदे प्रदेश की और देश की जनता के साथ किए, उसमें से एक भी वायदा प्रधानमंत्री जी पूरा नहीं कर पाए। आप देखिए, बहुत छोटी सी बात है, 15 लाख रुपए का वायदा था, 2 करोड़ नौकरियों का, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा था, उसके बाद इन्होंने कहा जी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ है स्मार्ट सिटी, उसके बाद सांसदों ने गांव गोद लिए, कहाँ है गांव, कौन सा गोद लिया, बताओ कितने काम के, उसके बाद इन्होंने कहा जी बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बताओ कहाँ है बुलेट ट्रेन, उसके बाद इन्होंने कहा जी गंगा साफ होगी, गंगा 58% मैली हो गई, और 4000 करोड़ रुपए ये उसका गबन कर गए। राफेल घोटाला, चलिए चलिए, घोटालों की अब बात कर रहे हैं तो मैं जरा आपसे एक और भी सवाल करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सभी मेहमानों के पास पहुंचता हूँ। बार बार जब प्रियंका गांधी को लेकर जब भी चर्चा की जाती है, और अब तो खुले तौर पर वो राजनीति में उतर चुकी हैं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, और रॉबर्ट वाड्रा का नाम जमीन घोटाला मामला जो चल रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा उछला, तो आपको नहीं लगता कि उसका जवाब देना प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल होगा, उनकी इमेज पर डेंट करेगा? यदि आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी जैसी इमेज है उनकी, उनकी छवि वैसी है, तो उनकी इमेज पर डेंट नहीं होगा क्या? देखिए, घोटाले की बात करते हैं, जब राहुल गांधी जी संसद में जब उनसे ये बात पूछते हैं आपके रक्षा मंत्री से कि आप बताइए 136 विमान से 26 विमान कैसे हुए, तो उनको मालूम नहीं था। जब व्यापम घोटाला कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, तो उनके पास जवाब नहीं था। जब रात को नोटबंदी हुए, कितने नोट जमा हुए, ठीक है, यादव साहब, ठीक है, उनके पास जवाब नहीं। मैं जरा दोबारा से सवाल दोहरा देता हूँ, मैं सवाल दोहरा देता हूँ एक बार फिर से, कि जमीन घोटाले मामले, क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा, रॉबर्ट वाड्रा का नाम कुछ जमीन घोटाले मामले से जुड़ा, तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से अगर हम समीकरण देखें तो क्या इसका इमेज पर डेंट उनकी नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, वास्तविकता और सच्चाई वो ये है कि 2G घोटाला और 3G घोटाले की भाजपा ने जिस तरीके की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से नकार दिया। मैं बहुत सीधा सा सवाल आपसे, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कमजोरी है। इन्होंने ये घोटालों के नाम ले लेकर खुद घोटाले किए, और 4.5 साल में देश में जितने घोटाले हुए, एक भी घोटाला, अजब वो जेपी जी जब वो कह रहे हैं कि आप इसको बनाओ और राफेल घोटालों को बताओ कि एक विमान, चलिए आप मानते हैं कि यदि घोटाला होता है 1600 करोड़ का कैसे हुआ? ठीक है, मैं आपकी बात पे ही जाता हूं। आप यदि कह रहे हैं कि घोटाले होते हैं तो उसका असर तो पड़ता है ना पार्टी और उसके नेता पर, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? चलिए ठीक है, यानी कि इसका असर यानी कि प्रियंका गांधी की इमेज पर भी पड़ेगा। नहीं, घोटाला होगा तो पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, सिर्फ बोलने से तो नहीं, जब राहुल जी कह रहे हैं कि आप, ठीक है, जरा रिएक्शन ले लेते हैं यादव साहब। भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखला रही है इतना? कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन ले लिया, उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन था, भारतीय जनता पार्टी इससे क्यों घबरा रही है? नहीं, हमारा इससे बौखलाहट का कोई कारण नहीं है, ना हम बौखलाए हुए हैं। ये पारिवारिक पार्टी है, सबको पता है, इस परिवार के सदस्यों ने ही राज करना इस पार्टी में, बाकी तो प्यादे हैं, एक हिसाब से कहेंगे तो मोहरे हैं, जिनको जहां रख दो वहां बैठ जाते हैं। आप देखिए, छोटी सी बात देखिए, गुलाम नबी आजाद जी को इतने बड़े प्रदेश से हटा के हरियाणा में बैठाया गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी को इन्होंने एडजस्ट करना था। और प्रियंका का जो यहाँ आना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी का जो सो कॉल्ड महागठबंधन था, उसका आउटराइट वे से रिजेक्ट कर देना,
सारे नेताओं ने मिलके किसी भी राहुल गांधी महागठबंधन नहीं, यादव साहब, यादव साहब, यदि यूपी के अंदर उतारा प्रियंका गांधी को तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती नहीं है, देखिए हम आपको एक बात बता दें, सारे विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी को आउटराइट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर स्टेबल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वही सवाल है, वही सवाल है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पूरे के पूरे विपक्ष ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, कोई इनको साथ लेके चलने को तैयार नहीं है। उस हताशा से बचने के लिए प्रियंका गांधी को ये पहले भी यूज कर रहे थे, पार्टी संगठन में बैकग्राउंड में रहकर वो काम कर रही थी, सामने इसलिए नहीं ला पा रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा का नाम घोटालों के साथ इनका जुड़ा हुआ है, जैसे ही पब्लिक में आएंगी इनसे सवाल पूछे जाएंगे और इनके ऊपर इस बात का बिल्कुल आरोप लगेगा, रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीन राजस्थान और हरियाणा में कैसे हड़पी है उसका जवाब दीजिए। अब वो क्योंकि पब्लिक लाइफ में आ गई हैं, अब तक वो सार्वजनिक जीवन में नहीं थी। अब प्रियंका गांधी को सबसे पहले इन बातों पे सफाई देनी ही पड़ेगी, उसके बाद बात आती है कुछ इनकी फॉलोइंग है कि नहीं है, वो किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाती है। नहीं, यहाँ ये हाँ, ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी के अगेंस्ट अब एक नई जोड़ी खड़ी हो गई है और वो जोड़ी है राहुल और प्रियंका की। तो क्या 2019 के चुनाव में आप ये मानकर चल रहे हैं, जो अभी राहुल गांधी आपके हाल ही में पांच राज्यों के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें डेंट बहुत बड़ा आपकी पार्टी को दिया, क्या प्रियंका के आने के बाद अब और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं हैं या बचा पाएंगे कुछ? नहीं नहीं, प्रियंका और राहुल दोनों को अभी अपने आप को प्रूव करना है। राहुल गांधी बुरी तरह फेल, राहुल गांधी प्रूव कर चुके हैं, कम से कम हम ये नहीं कह सकते हैं। मोदी जी से तीन स्टेट के अंदर जितना जितना इनको रिजेक्ट कर दिया है। रही बात प्रियंका गांधी की, प्रियंका ने तो अभी सार्वजनिक जीवन में आई है, इसने अपने आप को प्रूव करना है, वो उनकी क्या क्षमताएं हैं, वो कैसे काम करती हैं और पब्लिक उनको एक्सेप्ट भी करती है कि नहीं। नहीं, नरेंद्र मोदी जिन नाम के पीछे आप चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। प्रूव तो हर किसी को करना है, हर चीज को प्रूव करते जा रहे हैं। मोदी जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में प्रूव करी है, देश में ही नहीं, देश का सम्मान जिस हिसाब से उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है, जिस हिसाब से दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, ठीक है, मोदी जी तो अपने हर स्टेप पे प्रूव करते जा रहे हैं अपनी वर्थ को, ठीक है, देश की जनता भी देख रही है। अशोक चौहान जी से जरा रिएक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद अरविंद जी और दूसरे मेहमान ओमबीर जी के पास भी चलते हैं। अशोक चौहान जी, अब ये बार बार ये कहा जा रहा है कि इमेज पर नुकसान होगा, इमेज पर इसका असर पड़ेगा, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ जो मामला चल रहा है, प्रियंका गांधी को जमीन पर ना उतारने के लिए एक तो एक कहा जा रहा है कि एक कोशिश थी कि जब तक ऐसी नौबत ना आन पड़े, जब तक विकट स्थिति हो, 2019 का इलेक्शन क्योंकि कांग्रेस पार्टी और सभी के लिए बेहद खास है, विपक्ष जहां एकजुट हो चुका है महागठबंधन की तैयारी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अकेली सी पड़ गई है, ये मास्टर कार्ड इसको माना जाए कि 2019 के लिए कांग्रेस के पास इससे बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं था। देखिएगा, कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, जहां तक मैं इनके इंटरनल वो समझ रहा हूं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए ध्यान में रखते हुए जो प्रियंका को उतारा, प्रियंका कोई नया नहीं है कांग्रेस में नाम, पहले से भी चलता रहा, भले ही पर्दे के पीछे से रहा हो, अब पर्दे पार करने के बाद में सार्वजनिक रूप से आ गया है। अब यही कि पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक दल है, हर कोई अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। जैसे कि ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे घटाना जी कि भाई पांच राज्यों में ये हुआ, ठीक है, होता है, उपचुनाव हुए, उसमें भी रूलिंग पार्टी को डिफीट मिली है, यूपी के अंदर आपको भी सबको पता है, अपना सीएम साहब भी अपनी नई सीट बचा सके थे जिससे कि वो लड़े थे, इस तरह से हुआ है, ये तो चलता है, राजनीति है, राजनीति में चलता है। पर ये इस तरह के बात कि भाई इनका इंटरनल मैटर है, भाजपा को क्या परेशानी है, भाजपा की क्यों परेशान हो, भाजपा अपनी लड़ाई लड़ रही है। नहीं, भाजपा को ये परेशानी होगी ना कि उनके प्रतिद्वंदी बढ़ गए हैं, जहां तक मैं समझता हूँ अभी यादव जी बोल रहे थे कि ऐसा है कि वो तो जवाब जनता देगी, ठीक है, जनता ही देगी। अब ये कि यादव जी, ये तो जैसे कि आपने कहा परिवारवाद है, परिवारवाद की पार्टी है ये, जब आपको पता है परिवारवाद है तो इसमें तो परिवारवाद ही चलेगा, और परिवारवाद में भी है कि कोई अच्छा है, किसी को कोई रेपुटेटेड है, कोई अच्छी पकड़ रखता है तो उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, फिर पार्टियां क्यों परेशान हो। तो प्रधानमंत्री ने भी आज अपने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि परिवार ही पूरी पार्टी इन्होंने बना दी। हाँ हाँ, परिवार के ही साथ, क्योंकि कांग्रेस पे लगते रहे, कांग्रेस पे लगते रहे, इनेलो पे लगते रहे, अब जेजेपी अच्छा, है, एक सवाल और यहाँ पर जेजेपी पे भी लग रहे हैं, इसके बाद में अलग आएंगे अपने अपना
सैनी साहब के बैठे हैं उनके यहाँ भी लगेंगे, परिवारवाद तो अपना है। रहा जहां तक गठबंधन, देखो गठबंधन चाहे कोई कर ले वो सफल नहीं हो पाता है, सफल कितना हो पाता है उसका हश्र पहले भी देख चुके हैं और अब आने वाले जो टाइम है जो जो 2019 है उसमें भी देखा जाएगा। 2019 का जो चुनाव है हर राजनीतिक दल के लिए बड़ा ही अहम है और वो सब हर कोई ये चाहता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे और प्रदर्शन करके जो है जनता को साथ ले। अच्छा एक चीज और है, राहुल को जनता को करना है, जनता किसके साथ जाती है किसको अच्छा समझती है, ठीक है। यानी प्रियंका में इंदिरा जी की छवि दिखाई देती है, वो तो बचपन से ही दिखाई देती है, कोई नई बात नहीं है, जैसे कि कांग्रेस ही बोलते रहे हैं। अब वो बड़ी हो गई है, शादीशुदा हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, वो छवि शायद और निखर गई तो है। एक, एक तो वोटर्स के बीच सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा क्या, क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि प्रियंका गांधी की जो एक छवि पूरी तरीके से अपनी दादी से मिलती जुलती है, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्या रहने वाला है इस चुनाव के अंदर? कांग्रेस ही मान रहे हैं कि ये सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, कांग्रेस ही मानते हैं, पर ये जो जहां तक है वो पब्लिक मानती है, पब्लिक उसको सॉफ्ट कॉर्नर को उस लुभावने सॉफ्ट कॉर्नर के उसमें आती है या नहीं आती है उसको। अच्छा एक सवाल और ये उठता है कि राहुल गांधी को प्रूव करने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अभी यादव साहब ने भी कहा कि राहुल गांधी सर्वाइव कर रहे हैं, अभी अपने आप को खुद को उनको प्रूव करके दिखाना है, लेकिन हाल ही में जो राज्यों के चुनाव हुए उसके अंदर तीन राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार बनाई, तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने अपने आप को कम से कम कुछ हद तक तो प्रूफ करके दिखा दिया है, और भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत है? देखो भाजपा तो राहुल को हमेशा पप्पू कहती रही है, अब पप्पू शायद थोड़ा और बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और हो गया तो हो सकता है कि उसने जो है 3 में 5 में जो अच्छा प्रदर्शन कर दिया, अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही वो तो है कि बिल्ली के भागे गए छिंका टूटे या कैसे है, वो तो अलग बात है अपना जो है। देखो जहां कहीं कुछ होता है, प्लेयर होता है वो एक मैच जीतता है, ठीक है, दूसरा मैच जीतने की तैयारी है, तीसरे में होता है तो उसका उत्साह बढ़ता जाता है, तो ये उत्साह ही बढ़ रहा है राजीव का, नहीं सॉरी क्या नाम राहुल का, और इसके बाद में जब अपना साथ में बहन साथ में आ जाएंगी तो ये उत्साह और डबल हो जाएगा। भाजपा वालों परेशान मत हो, ये तो कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा है कि इनका घर का मामला है, इनके घर की पार्टी है, इसमें यह है कि अपना जो हम क्यों परेशान हो, मेरे घर में मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, वो तो जनता भुगत लेगी, जनता देख लेगी कि क्या बात है, कितना अच्छा राहुल ने प्रदर्शन करा। वैसे ठीक है, जरा हरियाणा की तरफ भी फोकस कर लेते हैं, जो चुनाव हुए हैं तीन राज्यों में, 5-3 में सरकार कांग्रेस के बनी, 2 इधर उधर की वैसे हुई है, तो इसका असर भी पड़ेगा। और जो अब जो जींद का जो चुनाव है, जींद का चुनाव बहुत ही अहम है और बहुत ही है, हर कोई राजनीतिक दल इस चुनाव को जीतना चाहता है, अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। कल इसी मंच से मैंने तो सभी को बधाई दे दी थी, आज फिर बधाई दे रहा हूँ अपना खटाना जी, प्रियंका के आने से कांग्रेस में शायद नई संजीवनी का संचार हुआ है, तो ऐसा आपके लिए आपको और आपकी पार्टी को बधाई है, ऐसा ही सभी के लिए कि भाई अच्छा प्रदर्शन करो। वो पर फिर भी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी अशोक तंवर वर्सेस हुड्डा और एंड, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। अब ये कि बदलाव आता है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती है गुलाम नबी आजाद के सामने, ठीक है, ये हरियाणा प्रदेश का भी समीकरण अलग तरीके से है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती भी है। अरविंद जी, इस चुनाव के अंदर क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, हालांकि मैं मनीष जी से भी ये सवाल पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी से कुछ खतरा लग रहा है जींद उपचुनाव के अंदर? सुरजेवाला सामने है और ये कहा जा रहा है कि 3 जाट कैंडिडेट यहां पर उतारे गए हैं, और यदि देखा जाए तो समीकरण कुछ इस तरीके से है कि आपस में यदि वोटर्स क्लैश होते हैं और वोटिंग यदि होती है जाट समुदाय की तरफ से, तो आपस में वोट यदि बटे तो किस, भारतीय जनता पार्टी यही समीकरण मानकर चल रही है कि नॉन जाट जो उनका कैंडिडेट है उनको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी, इस तरीके का कुछ है? शुभेंदु जी, पहले मैं उस जिस विषय पर हम बात कर रहे थे एक टिप्पणी उस पर भी करना चाहूंगा। वैसे तो कांग्रेस का निजी मामला है, अंदरूनी मामला है कि ये किसे लॉन्च करें, किसे प्रोजेक्ट करें, ये प्रियंका जी को लाएं या किसी और को लाएं, ये इनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है। परंतु फिर भी जिस तरह से उनकी लॉन्चिंग हुई है और सभी प्रतिक्रिया, सभी राजनीतिक दल प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है जिस तरह से नासा जब अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है और पहला सैटेलाइट जब फेल हो जाता है तो फिर वो दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो कहीं ना कहीं इनका पहला जो सैटेलाइट था वो फेल हो चुका, अब दूसरा लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है।
इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। परंतु अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मेरा एक सुझाव भी है, मेरे साथी प्रवक्ता भाई खटाना साहब बैठे हैं और भी कांग्रेस के जो नेता सुन रहे हो, क्यों ना एक लिटमस टेस्ट कर लिया जाए। प्रियंका गांधी जी को जींद में प्रचार में लिया, ये जमानत हो सकता है उनके आने से जमानत बच जाए कांग्रेस की जींद में, तो ये एक टेस्ट भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि प्रियंका जी कितना इफेक्टिव हो सकती हैं कांग्रेस के लिए और या नहीं हो सकती हैं। आपने शुभेंदु जी जो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में और जो बातें की कि किस तरह से राजनीति करवट बदलेगी या क्या होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं जींद की जनता नहीं पूरे समस्त हरियाणा की जनता एक बदलाव एक परिवर्तन चाहती है। पिछले बहुत लंबे समय से इन सभी पार्टियों की, चाहे कांग्रेस बीजेपी या और जो दल रहे, उन सबकी सरकारें रहीं, परंतु आज भी जींद की जनता विकास की राह देख रही है। अगर विकास अगर जींद आप जाकर देखें तो जींद और गुड़गावा फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जींद आज भी बहुत पीछे विकास के मामले में पिछड़ा हुआ नजर आता है। जींद में ना कोई इंडस्ट्री है, ना उद्योग है, ना रोजगार है, ना वहाँ अच्छे अस्पताल हैं, ना वहाँ अच्छे स्कूल हैं, ना वहाँ और तमाम जो सुविधाएं मेरे साथी प्रवक्ता भाजपा के उंगली उठा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ दावा पेश करना चाहेंगे, परंतु मैं फिर भी उन्हें बता देता हूं कि रोहतक से जब जींद को जोड़ने वाला एक 4 लेन हाईवे का काम हुड्डा साहब ने जो शुरू किया था, ना तो उसे कांग्रेस पूरा कर पाई और ना आज 4 साल में उसे भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाई। एक बाईपास रोड का काम चल रहा था, आज भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसके अलावा एक जब सोनीपत से जींद जाते हैं जो दोनों शहरों को जोड़ने वाला जो रास्ता है, वहां पर फाटक है रेलवे का, वो आज भी फाटक ही है। सरकारी जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें ना ब्लड टेस्ट की मशीनें हैं, ना सीटी स्कैन की मशीनें हैं, यहां तक कि डॉक्टरों की भारी कमी है। इसके अलावा आप कहीं सरकारी स्कूलों में चले जाइए, किसानों की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, तो जींद बहुत पीछे है। ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे जनता को, मजबूरन इन्हें ऐसे कैंडिडेट उतारना पड़ा कांग्रेस को तो, कि जो पहले से ही विधायक था और एक प्रवक्ता इनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इसके अलावा इन्हें कैंडिडेट ही वहां समझ नहीं आया। यही हालत बीजेपी की थी, बीजेपी ने तो इनेलो चलिए मुकाबला 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 अल्टीमेटली किससे मुकाबला मानती है जेजेपी पार्टी? देखिए सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि सरकार के खिलाफ ये वोटिंग होती है, सरकार के जो प्रति जो लोगों का क्या रुझान है वही इस चुनाव से पता चलेगा। तो हम तो सरकार से ही अपनी टक्कर मानते हैं और हमें पूरा भरोसा है इस चुनाव को दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव को जीत कर जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के इस बड़े फैसले से लेकर जींद के उपचुनाव तक सारी चीजों को लेकर हमने छू लिया, लेकिन जरा सबसे पहले एक ब्रेक पर जाने का समय हो चुका है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा एक छोटा सा रिएक्शन जरूर ओमबीर जी से ले लेते हैं, क्योंकि बहुत समय से इंतजार भी कर रहे हैं। ओमबीर जी सबसे पहले जरा रिएक्शन, क्योंकि सभी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से रिएक्शन तो दिया गया, प्रियंका गांधी को जमीन पर उतारकर कांग्रेस पार्टी ने क्या अपना आखिरी पत्ता खोल दिया है, दिखा दिया कि हमारे पास क्या है? देखिए चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे प्रियंका की आप बात करें, देखिए ये इनका पार्टी का व्यक्तिगत इशू है। प्रजातंत्र के अंदर कौन व्यक्ति आया कौन गया, उसमें उधर कांग्रेस आ गई, बहुत सारे आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इधर अमित शाह जैसा तड़ीपार व्यक्ति एक पार्टी का हेड बना हुआ है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि कौन सी विचारधारा इस देश की 85% आबादी को रिप्रेजेंट किया या नहीं किया। 1955 से लेकर काका कालेलकर कमीशन से लेकर 1990 तक मंडल कमीशन तक कांग्रेस की सरकारें नहीं, उन्होंने इस दलित पिछड़ा समाज का साथ न्याय नहीं किया। वीपी सिंह जी के बाद ये एक कमीशन लगा यहाँ पे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आप कहें तो आज अभी लेटेस्ट आपने भी देखा होगा कि देश की 40 सेंट्रल की यूनिवर्सिटियों के अंदर पिछड़ा वर्ग के लोगों का शून्य पार्टिसिपेशन है। अच्छा 10% जो सवर्ण जातियों को आरक्षण देने की बात की है, उससे सहमत हैं क्या आप? मैं आऊंगा, बिल्कुल गरीब को दिया जाना चाहिए, लेकिन गरीब को नहीं दिया ना, गरीब को दिया जाना, मैं वो चलाकी वही बता रहा हूँ। दूसरी बात जो सबसे बड़ी हरियाणा को लेकर है, देखिए हरियाणा प्रदेश अपने आप में एक अलग तरह का प्रदेश है। वहां की राजनीति में जिस तरह माननीय मोदी सिंह को, मोदी जी को बैकवर्ड मान करके प्रदेश के 90% आबादी ने वोट किया, गरीब आबादी ने वोट किया, पिछड़े लोगों ने वोट किया, लेकिन जिस काम के लिए भाजपा वहां भेजी थी कि दादागिरी भेदभाव को मिटाने के लिए हरियाणा में लोगों ने वोट किया था खट्टर जी को, लेकिन खट्टर जी उसमें जिस तरह फेल रहे, कांग्रेस जिस तरह हुड्डा जी के हाथ उसमें सहयोग था हरियाणा को जलाती रही, और खट्टर जी एक बैठे देखते रहे, एक रूल एंड लॉ पैरलाइज था, जिस तरह का फेलियर वहां हुआ, वो सभी चीजें खैर जनता ने देख ली हैं और जनता भी यही समझना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल ओमबीर जी, समाज की आउटकम एक एलएसपी पार्टी का जन्म हुआ,
जहां तक जींद की बात आप कहें, जींद में इस समय बीजेपी दिवालिया है वोट बैंक के मामले में, वो एलएसपी के छोटे छोटे एक दो कार्यकर्ताओं को पकड़ के उनके मुखिया अनिल जैन, हाँ सुनिए सुनिए, वो छोटा कार्यकर्ता नहीं है, सुनो गलत गलत बोल नहीं कर रहे आप, शुरू से मुझे मजबूर होना पड़ा बोलने के लिए, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आपकी पार्टी छोड़ दी है, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, बीजेपी आप गलत नहीं कर रहे, आपका नहीं, आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक छोटा मोटा कार्यकर्ता है क्या, निकल जाओ, एक संस्थापक सदस्य है वो आपका, वो छोटा मोटा कार्यकर्ता है क्या, आप उसकी बात क्यों नहीं, आप क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, नहीं नहीं आप छोटा मोटा बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे किसी को छोटा मोटा, आप छोटा मोटा बोल रहे हैं, तो मेरी बात सुन लो, बात क्या सुने, आप गलत बयान नहीं कर रहे, आप राजकुमार सैनी के कार्यकर्ताओं को लेकर आपकी नहीं, कार्यकर्ताओं नहीं आपके नेताओं में भक्ति भी है, अच्छा चलिए ये अगर अगर ऐसी बात की जा रही है, एक मिनट ठीक है यादव साहब और ओमबीर जी, आज राजकुमार सैनी जी ने भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपने ऑटो में बिठाऊंगा, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से किया गया, मैं जरा छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जरा इस बात को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही जरा इस बात को लेकर भी सवाल पूछा जाएगा कि आने वाले समय में, क्योंकि शिवसेना ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने तो साफ देरी कर दी है, तो कितनी देरी हो गई और इस देरी की वजह से ही क्या हाल ही में नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है, और यदि 2019 में ये मास्टर कार्ड नहीं खेलती कांग्रेस पार्टी तो क्या 2019 में भी नुकसान हो सकता था, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, लेकिन उसका असर देश की राजनीति पर किस तरीके से पड़ेगा, बात इसी को लेकर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, जरा चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मनीष खटाने जी के पास चलते हैं। मनीष जी, शिवसेना की तरफ से रिएक्शन इस पर दिया गया, शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस ने फैसला करने में देरी कर दी है, राष्ट्रीय राजनीति में यदि बात की जाए तो प्रियंका गांधी को लेकर जमीन पर उतारने को लेकर यह बात प्रतिक्रिया शिवसेना की तरफ से दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया कि इनका परिवार ही पार्टी है, राजनीति इनको अलग तरीके से करनी है। प्रधानमंत्री जी ने पहले तो 2014 से लेकर लगातार आज तक सिर्फ झूठ और जुमले की जिस तरीके की राजनीति करी है उससे पूरा देश जानता है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात करी परिवारवाद की, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये परिवारवाद क्या भाजपा में नहीं है, क्या राजनाथ जी के लड़के विधायक नहीं है, वसुंधरा जी के लड़के सांसद नहीं है, क्या गोपीनाथ मुंडे जी की लड़की सांसद नहीं है, क्या कल्याण सिंह के बेटे सांसद नहीं है, क्या सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड गवर्नर नहीं है, क्या रमन सिंह के लड़के भाजपा की पार्टी में सांसद नहीं है, यशवंत सिन्हा की बात करें चाहे देवेंद्र प्रधान की बात करें चाहे वसुंधरा राजे की बात करें चाहे हम प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश उनके बेटे खुद सांसद हैं जो कि बहुत लंबी फेरिस्त आपने महाजन जी की बेटी येदियुरप्पा जी की, तो परिवारवाद की अगर बात करें तो इतने सारे एग्जांपल जब मैंने आपके सामने बताया, क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, ये बार बार जिस तरीके की बात करते हैं देश को तोड़ने की राजनीति जो भाजपा ने करी, जो झूठ की राजनीति, जुमले की राजनीति, आज पूरा देश जब इनसे हिसाब मांगता है, जब इनसे सवाल करता है तो ये दूसरी तरफ भागते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। पहले क्या आपने अपना परिवारवाद क्या खत्म किया? अगर आपने खत्म नहीं किया तो जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अब दूसरी बात, मेरे भाई भारद्वाज साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, जींद के बारे में बात करी। जींद एक वो जगह है जहां से देश का उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी इलेक्शन लड़ा करते थे। क्या देवीलाल जी ने वहां कितना विकास किया? मैं खुद जींद गया, मैं खुद जींद को देख के आया। चार चार विधायक जींद ने इनेलो पार्टी को दिए, जो इनसे पहले जब इनका गठबंधन था, जब ये एक ही परिवार की पार्टी थी, आज दो परिवारों की पार्टी है। तो जींद में कितना विकास हुआ? जींद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 500 करोड़ की चौधरी रणबीर हुड्डा यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, चार चार विश्वविद्यालय बनाने के काम करे, हॉस्पिटल बनाने का काम करा, आपका बाईपास बनाने का काम करा। भाजपा के एक मिनट, अब मैं भाजपा की बात करता हूं। खट्टर साहब ने 5 साल के अंदर जितनी वहां पर घोषणाएं करी, आपको अचरज होगा, आपको हैरानी होगी कि खट्टर साहब ने सिर्फ 12% काम ही वहां पर
जो घोषणा है उसकी पार्टी है 12% काम करता है। टोटल एक टोटल एक आरटीआई है, आरटीआई है, मैं दिखाऊंगा। एक मिनट एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिखा दीजिए ना। सुनो सुनो, 188 करोड़ रुपए भाजपा की सरकार 4.5 साल के अंदर जींद में लगा पाई, सिर्फ 12% काम करा पाई। और जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 500 करोड़ की अकेली यूनिवर्सिटी जब वहां से कांग्रेस का चलिए, यानी कि जो ठीक है, यानी कि आप जो आकलन कर रहे हैं, वहां से कांग्रेस का विधायक नहीं था तब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां काम कराने का काम किया, और वो आज रणवीर हुड्डा यूनिवर्सिटी आपके सामने है, आप जाके देख सकते हैं आपके कार्यकाल में कितने विद्यालय कितने जो ठीक है उसका आकलन कर लेते हैं। लेकिन लेकिन आप 4.5 साल का आकलन आप 10 साल से कर रहे हैं, इस बात की भी आप मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आज मैं टीवी चैनल के माध्यम पर बैठा हूँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस जिले ने इनेलो को चार चार पांच पांच विधायक दिए, वहां से जहां से प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे, तो उन्होंने 1999 से लेकर 2004 तक जींद जिले में कितने विकास कार्य करे, जींद जिले में कितने पैसे लगाने का काम करा, जहां से 4 विधायक इनेलो के होने के बावजूद छोड़ दीने छोड़ दीजिए उठाने अगर, काम अगर, करके दिखाया। मैं ही कह रहा हूं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यदि वहां पर काम किया तो आज जींद के अंदर दिखना तो चाहिए ना। यदि आपने यूनिवर्सिटी बनाई, यदि आपने हाईवे बनाई, यदि आपने सड़क बनाई, तो वहां पर दिखना तो चाहिए कि जींद के अंदर 4.5 साल में। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने उन सभी चीजों को बिल्डिंग को तोड़ दिया हो, सड़क को उखाड़ दिया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि आपने यूनिवर्सिटी बनाई तो वहां पर दिखनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, जरा रिएक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है, अरविंद जी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं, फिर यादव साहब। मेरे साथी प्रवक्ता जी ने इनेलो पे सवाल उठाए, इनेलो का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, इनेलो पे जवाब तो इनेलो का प्रवक्ता देगा, परंतु चौधरी देवीलाल जी पे जरूर इन्होंने सवाल उठाया। तो पहले तो मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि चौधरी देवीलाल जी जींद हल्के से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, ना वो कभी विधायक रहे, आपकी जानकारी के लिए। आगे से आप बोले तो ध्यान रखें खटाना साहब। दूसरी बात रही बात चौधरी देवीलाल जी के काम की, तो पूरा हरियाणा जानता है, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। चौधरी देवीलाल जी को गुजरे हुए भी कितना लंबा समय हो गया, आज भी लोग उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कोई विपक्षी पार्टी का व्यक्ति भी उन पर कोई उंगली उठा पाया हो। उनका व्यक्तित्व, उनका जो स्वभाव था, उनकी जो विचारधारा थी, वो इतनी महान थी, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ना किसी ने आज तक उठाया, मुझे नहीं लगता उनके काम पर कोई सवाल उठा सकता। परंतु आपने जो बड़ी बड़ी बातें की, हुड्डा साहब की घोषणाओं की बात की, आपने यूनिवर्सिटी के लिए कहा 500 करोड़ दिए, आपको पता है सिर्फ आप नीम खोद के भाग गए, आप बाईपास की बात की, आप वहां पर भी पत्थर रख के भाग गए, आपने 4 लेन हाईवे जो रोहतक से जींद बनाने का काम किया, आप उसका भी पत्थर गाड़ कर भाग गए, आपने तो काम ही कोई पूरा नहीं किया। आपने अस्पताल कौन सा बनाया बताओ, तो क्या, अस्पताल का तो काम क्या, आज भी चल रहा है। आपने रोहतक में जो भी काम शुरू किए उन्हीं 10 सालों में पूरा करके गए आप, परंतु इसके अलावा जहां जहां भी आपने कोई काम शुरू किया वो पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह क्या? आपने सिर्फ घोषणाएं नहीं करी, जींद में कोई एक योजना बताओ, जींद की कोई एक योजना जो आप पूरी करके गए, 1999 से 2004 तक जींद में कोई एक परियोजना बताओ जो आप पूरी करके गए हो, एक परियोजना जींद की बताओ, चौधरी देवीलाल जी की कोई एक परियोजना, चौधरी देवीलाल जी का हम सम्मान करते हैं, 10 साल राज कर गए, देश में प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाने का काम करा, आज भी रोज रेल की फाटक पर खड़े रहते हैं, एक रेलवे लाइन थी दूसरी रेलवे लाइन लाने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ठीक है, जरा यादव साहब को भी शामिल करते हैं और ओमिर जी को भी शामिल करते हैं। आप एक परियोजना बता दो जींद हल्के की जो आप पूरी करके गए हो, आप एक भी पूरी नहीं कर पाए। आपने 1999 से 2004 में सिर्फ रोहतक के लिए आप वो बता दीजिए देने के लिए जेजेपी ने पूरे करे काम, इसी शर्म की वजह से। एक मिनट, मैं जरा इस नहीं नहीं रणवीर जी हुड्डा वाला जेजेपी लाइया आपको पता है। चलिए ठीक है जरा नहीं जीत सकते, इसीलिए रणदीप सुरजेवाला जी को फंसाया आप लोग। नहीं, 10 साल तो काम किया ना, 10 साल तो आप सरकार में रहे साहब। मनीष जी 10 साल तो आप 10 साल का समय तो आपको जनता ने दिया, आपको मौका दिया। जब जींद जिले में इनेलो का गढ़ था, इनेलो की वोटिंग थी, इनेलो का बात मत करो, इनेलो का जवाब इनेलो देने काम करते जवाब दो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जरा 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 बहुत बहुत दुर्दशा।
ठीक है, जींद की जनता भी यही समझना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि 10 साल के अंदर बहुत कुछ चीजें बदली, ठीक है इस तरीके से। एक मनीष कटारा जी, अरविंद जी, अरविंद जी ठीक है, ठीक है अरविंद जी, और जींद के रहने वाले भूल गए अपने जींद बताओ ना, एक परियोजना बता दो एक जो पूरी करी हो। चलिए आप जवाब जवाब ले लेते हैं जरा, ठीक है अरविंद जी जरा जवाब ले लेते हैं, प्रदेश की जमीनें बेच डाली, ठीक है ठीक है अरविंद जी, अरविंद अरविंद आज भी 5 लाख की जमानत में हुड्डा साहब बाहर घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी ठीक है हो गया, ठीक है मनीष जी हो गया, जरा और भी मेहमानों को समय देते हैं। अरविंद जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा शामिल होइए चर्चा में। मेरे से शुभेंद्र जी, नहीं नहीं माफ कीजिएगा अरविंद जी, उम्मीद जी जरा चर्चा में शामिल हुई। मेरा कहना यह है कि जो दोनों पार्टियां इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं, ये जींद के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, ये बात कर रहे हैं हवाई बातें चल रही हैं। मैं बता दूं, मैं एक तरफ से बता दूं, जहां तक कांग्रेस की भी बात है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें, आप खुद गुड़गांव से आते हैं, मानेसर और फरीदाबाद एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में वहाँ की जमीनों को आपने, किसानों की जमीनों को मंदे रेट लिया और उसके बाद उसको आर जोन डिक्लेयर करके और एक मिस्टर बाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए उन जमीनों को महंगे रेट पे आपने बेच दिया गया, नंबर वन। नंबर टू, हरियाणा के अंदर इनेलो और कांग्रेस का लंबे अरसे तक राज रहा है। हरियाणा में जो हाई कोर्ट में डाटा दिए गए हैं उसमें इस तरह का भेदभाव हुआ है कि 10% आबादी के पास मात्र 55% नौकरियां हैं और बाकी 90% आबादी के पास 45% नौकरियां हैं, जो इस तरह का जो भेदभाव रहा है। और सबसे बड़ा जो विषय रहा है हरियाणा के अंदर, देखिए ये प्रजातंत्र है, रूल ऑफ लॉ से चलता है, जो आदमी मुख्यमंत्री है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता को सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की जाए, और इसी के लिए खट्टर जी को वहां पर बैठाया गया था 2016 में, जिस तरह हुड्डा जी का नाम, उनके एक कर्मचारी का, उनके एक कार्यकर्ता का नाम हरियाणा को जलाने में आया था, और हुड्डा जी जिस तरह हरियाणा को हरियाणा को जलाने में राजकुमार सैनी का सबसे बड़ा, मैं टीवी चैनल पे कह रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं आप कैसी भाईचारे को खराब करने का काम आपने करा, छत्तीस बिरादरी का जो हमारा हरियाणा था वो आपने खराब करा, भाजपा के सांसद होकर अपनी पार्टी बनाकर आप अपनी पार्टी के नहीं हुए जिसने आपको सांसद बनाया, और आप जब उस पार्टी के नहीं हुए जिसने आपको सांसद बनाया, तो आप हरियाणा की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? हरियाणा में 36 बिरादरी का नारा था, 35 बिरादरी का नारा इन्होंने लगाया अपनी राजनीति फायदे के लिए, आप लोगों ने हरियाणा को जलाने का काम किया। चलिए ठीक है, ये जीवन में कभी मेंबर पंचायत बातों को रखने दो, आपका टर्न आएगा। मरीज जी ठीक है, ठीक है हो गया, ठीक है ठीक है। आपने बंधु जी एक मिनट, इन्होंने हरियाणा में जिस तरीके की राजनीति करी है, मैं आपके टीवी चैनल पे कहता हूँ, हरियाणा में लोकतंत्र पार्टी मेंबर कांग्रेस चलाया है, भाईचारे को बांटने वाले लोग हैं, ठीक है ठीक है खटाना जी ठीक है, ये भाईचारे को बांटने वाले लोग हैं, 35 बिरादरी का नारा देने वाले लोग हैं, हरियाणा को जलाने का काम, ठीक है हरियाणा को जलाने में घी डालने का काम आपके सांसद ने करा, ठीक है आपके सांसद ने, ठीक है ओमबीर जी प्लीज, ये नहीं आज मनीष जी, ठीक है मनीष जी, ओमबीर जी प्लीज, ठीक है हो गया, ठीक है हो गया, मैं जरा अशोक जी के पास आता हूँ, ठीक है अमित जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है ठीक है, ये डिबेट है, आपको अपना टर्न मिलता है, मुझे जवाब का नंबर आप बोलो, आप नहीं ठीक है ठीक है, पार्टी ने राजकुमार सैनी को सांसद बनाया, वो सांसद पार्टी का नहीं हुआ, सांसद हरियाणा की जनता का क्या होगा? ठीक है ठीक है अमित जी हो गया, ठीक है अमित जी और मनीष जी प्लीज, ठीक है ठीक है, जरा अशोक जी के पास चलते हैं, अशोक जी ठीक है ठीक है, अमित जी ठीक है ठीक है, अशोक जी राजकुमार सैनी को है, ठीक है ठीक है ठीक है, अशोक जी जरा जरा जिस तरीके से जींद के अंदर स्थिति बन रही है, गुलाम नबी आजाद को जिम्मेदारी दी गई, कांग्रेस पार्टी अलग अलग खेमों में बटी हुई है, ये सभी के सामने है, अलग अलग मंचों के जरिए सब अलग अलग तरीके से बातें करते आए हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद को अब ये जिम्मेदारी क्योंकि दी गई है, चुनौती तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन एक साथ एक मंच पर कैसे लेकर आएंगे, बहुत बड़ा काम भी है। दो दिन में कहां कि कौन कितनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगा, आज ही तो दी है ना, अब कितने दिन क्या रह गए, आज कितने, आज पांच कांग्रेस है वहां पे इस समय जो हालात है। देखो ऐसा ही और को भी चांस दीजिएगा, देखो 23 आज 22 हो गए, 23 ही मान लो, चार दिन बीच में है, चार दिन में गुलाम नबी आजाद जो कितना कोई करिश्मा कर देंगे, वैसे तो अभी बात शायद हुई थी करिश्माई अगर
प्रियंका को एक बार अगर जींद में ले आते तो शायद असर हो जाता। करिश्माई वर्ड उनके को यदि उतारा जाता है, हरियाणा करिश्माई वर्ड उनके साथ उनके नाम के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, करिश्माई प्रियंका है ना। लोगों को मतलब लोगों को मीन्स कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, कांग्रेस के जो फॉलोअर्स हैं, उनकी आस्था रही है वो मैडम इंदिरा जी का अक्स जो बोलते हैं उसके ट्रू कॉपी फोटो स्टेट उसको मानते हैं है ना। अगर शायद वो हो सकता आ जाती तो शायद कुछ होता, दो दिन के अंदर वो क्या खेल खेल लेंगे। अभी ओम बीर जी बोल रहे हैं ठीक है, कह रहे हैं पांच पांच कांग्रेस हैं मानते हैं, वो खटाना भी शायद इससे इंकार नहीं करेंगे। इंकार तो ये कहेंगे कि भाई हम सब एक हैं, घर के हैं तो सब एक हैं, अब कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते। देखिए शुभेंद्र जी, जींद का जो मतदाता है वो साइलेंट है, उसने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो अभी ये नहीं कह रहा है कि वो जेजेपी की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ जा रहा है या भाजपा की तरफ जा रहा है। किसी भी दल को इतना खुश होने की मतलब जो है जरूरत नहीं है, और ना ही इतनी जल्दी खुश होगी कि भाई भाजपा क्योंकि हमारा है वोटर, वोटर किसी का नहीं है, वोटर तो 27 की रात को बैठ कर डिसाइड करेगा तुझे किस साइड जाना है कहाँ जाना है, वो सभी के देखेगा कि भाजपा भाजपा और अपना जो है कांग्रेस ने क्या किया था। अल्लू जब अब जो है अपना सैनी जी तो नए नए हैं, जेजेपी हैं ये भी अपने जो है नए हैं, तो इसलिए जो है असली जो परीक्षा है वो तो भाजपा और कांग्रेस की है सही पूछो तो, और इसके बाद ही कहीं कुछ हो गया। वोटर्स किसी का नहीं है, वोटर्स कहीं नहीं जा रहा, वोटर्स तो भैया बैठा है। ठीक है, बहुत कम समय है, जरा जल्दी जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं यादव साहब। देखिए जी, मैं पहले तो चैलेंज करता हूँ प्रियंका गांधी को जींद में लाने के लिए, अगर दम है कांग्रेस पार्टी में। एक मिनट, नहीं मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपने अपनी बात कह दी है, आपने अपनी बात नहीं, चैलेंज करता हूँ लेके आए। जैसे ही प्रियंका गांधी जी आएंगी जींद में, रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटालों का भूत वहां जाके उनका पीछा करेगा, और कार्यकर्ताओं को इनकी जो काली करतूतें हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएंगी और एकदम। और रही बात इनके सुरजेवाला जी की, देखिए जैसे उन्होंने धोखा दिया है कैथल के लोगों को, विधायक होते हुए दूसरे विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जींद के लोग कभी भरोसा नहीं करेंगे, पता नहीं कब धोखा देके चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं विकास कार्यों के बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिएगा मुझे, बहुत जल्दी से बहुत आराम से बात करूंगा मैं, कोई इंटरव्यू अभी परीक्षा है। नहीं नहीं, देखिए हमारे यादव साहब बहुत जल्दी से, बहुत कम समय है। मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और नौकरियों में पारदर्शिता और बिना जातिवाद और क्षेत्रवाद के इतने काम किए, मैं गिनाने लगूंगा तो बाकी सारा समय शायद मुझे कम पड़ेगा। चलिए, इतना समय भी नहीं है, काम हो रहा है, इतना समय भी नहीं है, वो जनता ने देख लिया। जितने भूपेंद्र हुड्डा जी उद्घाटन करके छोड़ के गए थे, आने चार वाले चार महीने में हम सारे काम पूरे करके विधानसभा इलेक्शन में जाएंगे तो जींद की सूरत अलग ही दिखाई देगी आपको। चलिए ठीक है, खटाना जी से जरा पहले एक सवाल का जवाब जो बार बार पूछा जा रहा है, प्रियंका गांधी जी को क्या इस बार कैंपेन के अंदर उतारा जाएगा, लेकर आएंगे क्या खटाना जी? देखिए, प्रियंका गांधी जी को कैंपेन में उतारा जाएगा, 2019 का जो मिशन है उसमें बिल्कुल नहीं, इसको तो आप सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं ना, तो यानी कि हरियाणा के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन, और ये जब मानकर चल रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर मेरे प्रवक्ता भाई पांच कांग्रेस की बात कर रहे थे, मैं इनका थोड़ा सा बता दूं। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ठीक है, एक मिनट यादव साहब, सुरजेवाला को ले जाना पड़ा है जब कंप्रोमाइज नहीं हुआ, सबको पता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर डोर टू डोर रात के 2 बजे तक लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के पूरा जनसमर्थन के पक्ष में आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्येक गांव प्रत्येक घर घर जाकर इस तरीके की कांग्रेस की एकजुटता जींद में नजर आ रही है। जींद का चुनाव 100% चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला 28 तारीख को जीत रहे हैं, और ये बौखलाहट सामने वाले यादव साहब चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? पांच राज्यों में इनका सुपड़ा साफ हो गया, लूट झूठ और फूट, चलिए अदले मदले की पार्टी ने। ठीक है, फिर से वही सवाल, विकास कार्य की बात कर रहे हैं, 12% सर, 12% ठीक है ना, वो हो गया, वो हमने पूरी दी डाइवर्ट। ठीक है, ठीक है, बहुत कम समय, बहुत कम समय, ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं अरविंद जी। ठीक है मनीष जी, अरविंद जी, अरविंद जी जल्दी से रिएक्शन जी, क्या रणदीप सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं जींद में चौधर लाऊंगा, हरियाणा के चौधर जींद लाऊंगा, क्या मानते हैं आप?
आप जेजेपी का पक्ष रखें, आप जेजेपी की बात करें, वो आपकी पार्टी है। अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा मनीष जी, मनीष जी, अच्छा ठीक है मनीष जी, मनीष जी बार बार एक सवाल उठता है, ठीक है ठीक है। अरविंद जी एक सवाल बार बार उठता है कि यदि कैथल से भी विधायक और जींद से भी यदि ऐसा होता है कि चुन लिए जाते हैं तो किसको वो चुनेंगे? सुरजेवाला जी, वो उनका अपना मैटर है, वो जहां पर रहना चाहे वहां पर करेंगे। बाकी वो कैथल को बिल्कुल वो छोड़ देंगे, वो जींद से नहीं भागे भागे कोई नहीं है। जींद की जनता के साथ धोखा तो नहीं है? आप छोड़ के भागे हो। चलिए एक मिनट, ठीक है उम्मीद जी को भी समय, एक मिनट। कैथल में 10 साल के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अब विकास जींद के अंदर करना है। ठीक है ठीक है, जरा उम्मीद जी को भी, उम्मीद जी फाइनल कमेंट। ठीक है ठीक है, विकास ठीक है चुका है, जींद में विकास करना है। चलिए बहुत बहुत शॉर्ट टर्म में, ठीक है ठीक है ठीक है, जरा उम्मीद जी को भी एक मिनट, एक मिनट मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, अरविंद जी पटकनी दी तो विकास कार्य के ऊपर पटकनी दी ना। ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ठीक है ठीक है मनीष कटाना जी, ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी ठीक है ठीक है, जरा जरा बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। उम्मीद जी, जोर व्यक्ति ज्यादा हल्ला मचाता है ये सबको पता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं एक बात बता दूं, आज प्रकाश अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र ने एलएसपी को समर्थन किया है। आज एक एक दलित उम्मीदवार जो निर्दलीय वहां से लड़ रहा था उसने एलएसपी को समर्थन कर दिया है। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता, उसका कारण रहा कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी जो जेल में बैठे हैं इनेलो का हेडक्वार्टर, उसी की ब्रांच जेजेपी है और उन्हीं का एक व्यक्ति मिस्टर मिड्डा को लेकर बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो आज बीजेपी वहां कार्यकर्ताओं के लिए कंगाल हो गई, मैं आपको बता रहा हूं, और वो बहुत बहुत बुरे हालातों में है। वो इसीलिए बार बार एलएसपी को दिखा रही है, कहीं एलएसपी हमको समर्थन, ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जींद का ये उपचुनाव, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। सुरजेवाला जी को वहां पे लाना इनका दिवालियापन दिखाता है और सुरजेवाला जी चौथे नंबर पर रहेंगे। मैं वो तो भविष्यवाणी छोड़ दीजिए, वो जनता तय कर देगी, ये जनता तय कर देगी, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जनता बहुत ज्यादा समझदार है, वो देख रही है, आकलन खुद ही कर रही है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी का माना जा रहा है और इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए क्या 2019 का ये जो चुनाव है, ये जो मैच है, क्या उसको पूरी तरीके से जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी या कौन सी पार्टी आगे निकलेगी, देखना होगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।